गुड आफ्टरनून बच्चों, आज आपको वंशागति तथा विविधता चैप्टर का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने आपको पिछले टॉपिक में उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। आज आपको बताएंगे लिंग निर्धारण की क्रियाविधि कि किस प्रकार से हम किसी भी प्राणी को नर व मादा वो कैसे होते हैं, कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं जिसका निर्धारण करते हैं। उसके पहले हम थोड़ा मनुष्यों के बारे में जान लें। आप सभी को पता है कि मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसमें से 44 जो हैं आपके दैहिक या कायिक गुणसूत्र होते हैं, जिनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, या कह सकते हैं कि 22 जोड़ी। और 2 गुणसूत्र होते हैं जिनको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। एक जोड़ी जो होते हैं वो हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं, इनको हम एलोसोम्स भी कहते हैं, और ये निर्धारित करते हैं जो कि मनुष्य जो है नर होगा कि मादा होगा। ठीक, ये जो गुणसूत्र हैं दैहिक या कायिक है, ये नर और मादा दोनों में समान रूप से रहते हैं। 22 जोड़ी नर में भी होगा और मादा में भी होगा। ये एक जोड़ी जो है लिंग गुणसूत्र, ये डिसाइड करेगा कि वो नर होगा कि मादा होगा। ठीक है, ये आपने मनुष्यों के बारे में पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। तो इसमें कई सारी विधियां हैं जिसके द्वारा आप डिसाइड कर सकते हो कि वो मनुष्य नर होगा कि मादा होगा। XX और XY, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो XX XY गुणसूत्र वाले जो लिंग निर्धारण है वो किस में पाया जाता है? मनुष्यों में पाया जाता है, या ड्रासोफिला मक्खी, या फल मक्खी जिसे हम कहते हैं, ड्रासोफिला में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, मादा में क्या होता है, XX गुणसूत्र होता है, और नर में जो होता है XY। ये दोनों आपके लिंग गुणसूत्र हैं। ठीक है, ये मादा ये नर, ये आपके जनक हुए। जनक से क्या होता है, अब अर्धसूत्री विभाजन, आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे कि क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। तो ये दो XX है तो एक एक युग्मक में अलग अलग जाएगा, एक में X गया दूसरे में X गया। ऐसे ही नर में क्या होगा, X और Y चला जाएगा, आपका अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। इसके बाद देखिए, ये XX XML के XX बनाता है, ये X ये वाले XML के XY बनाता है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला X और ये वाला Y मिलके XY बना रहा है, और ये XY। तो आपको इसमें मिला, ये मादा मिली, ये नर, ये मादा और ये नर, मतलब 50-50% चांसेस हैं। 50% चांसेस नर के होते हैं और 50% चांसेस मादा के होते हैं। तो ये XX और XY गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण, ध्यान रखिए किसमें होता है, मनुष्यों में, या ड्रासोफिला मक्खी में। आइए अगला बढ़ते हैं। दूसरा होता है XX या X0, जीरो कह सकते हैं, या दूसरा गुणसूत्र इसमें अनुपस्थित है, XO या X0 हम लोग कुछ भी कह सकते हैं गुणसूत्रों द्वारा। ये किसमें पाया जाता है, टिड्डी में, खटमल में, और कृमियों में, जो कीड़े होते हैं उनमें पाया जाता है। इसमें मादा कैसी होती है, XX होता है, और नर जो होता है X0 या XO होता है। ठीक, फिर युग्मक बनेंगे X, इसमें से XX युग्मक बनेंगे, इसमें से XO। अब देखिए, इसमें ये वाला X ये वाला X से मिलेगा तो XX, ये वाला X इससे मिलेगा तो XO, ये वाला X इससे मिलेगा तो XX, और ये वाला X इससे मिलेगा तो XO। तो फिर से ये XX मादा हो जाएगी, X0 नर, XX मादा, X0 नर। ठीक, तो इसमें भी 50-50% चांसेस रहते हैं नर और मादा के। ठीक है, अगला आते हैं ZW या ZZ गुणसूत्रों द्वारा। ये किन में पाया जाता है, कीटों में, मछलियों में, और सरीसृपों में। इसमें क्या होती है, मादा, अब देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा था, मादा वो समसूत्री थी, XX एक तरह के युग्मक उसमें पाए जा रहे थे। इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग, एक में Z युग्मक बनेगा, दूसरे से W। इसमें नर में क्या होगा, Z और Z। फिर वैसे ही हम बात करेंगे, इसमें से Z और इसका Z मिलेगा तो ये नर बनेगा, इसका Z और इसका Z मिलेगा तो नर मिलेगा, इसका W इसके Z से मिलेगा तो मादा बनेगी, इसका W इस वाले Z से मिलेगा तो मादा बनेगी। तो इस तरह से लिंग का निर्धारण होता है। एक आखिरी तरह का लिंग निर्धारण है Z0 ZZ गुणसूत्रों द्वारा। ये किस में पाया जाता है, तितलियों में और मौथ में। अब ये मौथ क्या होता है, रात में अक्सर आपने देखा होगा ट्यूबलाइट के पास में काले रंग की तितली जैसी बैठी रहती है, उसको हम मौथ कहते हैं। इनमें जो है Z0 और ZZ टाइप के गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण होता है।
मादा में जेड ओ या जेड जीरो हो कह सकते हैं, और नर जो होता है वो जेड जेड होता है। ठीक, तो फिर से हम देख लेते हैं इसके जो युग्मक, ये जो है अर्धसूत्री विभाजन होगा, इस दो युग्मक बनेंगे जेड और ओ, और इसके जेड और जेड। फिर से ये जेड जो है इस जेड से मिलेगा तो ये क्या बनेगा, नर। ये जेड और इस जेड से मिलेगा तो बनेगा नर। ये ओ या जीरो जेड से मिलेगा जेड जीरो, ये बनेगी मादा। और ये जीरो जब इस जेड से मिलेगा तो ये भी बनेगी मादा। ठीक, तो ये सारी विधि होती है लिंग निर्धारण की। अब एक नए अलग तरह का लिंग निर्धारण आप जो पढ़ते हैं गुणसूत्रों द्वारा ही होता है, वो होता है द्विगुणित अगुणित क्रियाविधि। ये ज्यादातर हम चींटियों में या मक्खियों में देखते हैं। अगर मधुमक्खी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा रानी मक्खी होती है जिसे हम क्वीन कहते हैं, ये क्या होती है, द्विगुणित होती है, इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। फिर इनमें होती है श्रमिक पाए जाते हैं, श्रमिक भी द्विगुणित होते हैं, और इनको वर्कर बी भी कहते हैं, और इनमें भी 32 गुणसूत्र होंगे। पर जो इनके यहाँ नर है इसको ड्रोन कहते हैं, वो अगुणित होता है, इसमें 16 गुणसूत्र आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए किस तरह से होता है, रानी मक्खी जो ये इसका क्या 2n है, ये क्या होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा n युग्मक का निर्माण करेगी, 2n है तो n बनेगा। पर जो ड्रोन है इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसलिए ये n ही बनता है। जब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है, n से n मिल रहा है, तो ये तो या तो 2n या तो ये रानी मक्खी बनाएगा और या फिर ये श्रमिक बनाएगा, क्योंकि ये दोनों देखिए 2n है। तो फिर ये नर कैसे बनता है, ये ड्रोन कैसे बनता है, ड्रोन बनता है जब रानी मक्खी का युग्मक जो है बिना निषेचन के ही ड्रोन को बना सकता है। ये इसका जो अंडाणु है ये सीधे सीधे नर युग्मक नर को बना सकता है, अगुणित होता है। ठीक है, और ये जो बिना निषेचन के नर बना है इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनिषेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो एक इस तरह की विधि भी है जिसके द्वारा लिंगों का निर्धारण हो सकता है। अब अगली क्लास में हम आपको मेंडली विकारों के द्वारा कौन कौन से कितने प्रकार के आपको सिंड्रोम्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे।